नई सुबह ऑडियो लाइब्रेरी प्रेजेंट्स ऑडियो ड्रामा अब क्या होगा। इस ड्रामे के जरिए मिसकम्युनिकेशन के बायस पैदा होने वाले मसाइल को मजाहिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है कि अगर चीजें सही तरीके से कम्युनिकेट ना की जाएं, तो किस तरह पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं और मामला किस तरह मिसहैंडलिंग का शिकार हो सकते हैं। इस ड्रामे में जहां हमने कम्युनिकेशन की अहमियत को वाज़ेह करने की कोशिश की है, वहीं इस बात को उजागर करने की भी कोशिश की है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के सुपुर्द नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे को आपके लिए लिखा है सलीम ताहिर ने और इस ड्रामे के किरदारों में शामिल हैं सलीम ताहिर एज फरहान, मुज्तबा एज दानिश, अक्सा ज़ादा एज रुबाब, शायान रजा एज बोस, तलहा इनाम एज इन्वेस्टर, टेक्निकल टीम डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय सलीम ताहिर, फैसिलिटेटेड बाय अक्सा ज़ादा। यार दानिश, वो साइट की पिक्चर्स का क्या किया तूने? अरे यार, मैं वो काम तो भूल ही गया था। दानिश, तुझे पता है ना बॉस का, खड़े खड़े इंसान की बेइज्जती कर देते हैं। इससे पहले कि उनको पता चले कि हमने प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं किया, पिक्चर्स और वीडियोस का कोई बंदोबस्त कर यार। उफ, यार फरहान, एक तो ये बॉस का डर कोई काम सही से नहीं करने देता। अच्छा, मेरे पास एक जरूरी काम बाकी है, मैं पहले उसे देख लूं, फिर पिक्चर्स का कुछ करता हूं। ओए यार फरहान, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी साइट की पिक्चर्स और वीडियोस का काम कुछ तो कम हो जाएगा, कहता है तो बताऊं? हाँ बता, कौन सा ऐसा आइडिया है? वो जो हमारे ड्राइवर है ना, रहीम भाई, यार वो क्या कमाल के फोटो शूटर है। याद है वो पिछले महीने अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज में गए थे? हाँ, याद कैसे नहीं होगा, मुझसे ही तो पैसे उधार लेके गया था। उन्होंने वहां की क्या कमाल फोटोज खींची है। मैंने भी कई बार वहां जाके पिक्चर्स बनाई हैं, मगर उनकी पिक्चर्स अलग ही हैं यार। बुलाया मैंने, अगर हम उनसे अपनी साइट की पिक्चर्स और वीडियोस बनवा लें तो हमारा कम से कम ये काम तो कुछ कम हो जाएगा। ठीक है दानिश, अगर तुझे लगता है कि बंदा काम का है तो करवा ले उसे ये काम। साइट का तो उसे पता ही है, उसे कहना कि पिक्चर्स और वीडियोस इस तरह बनाए के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स और ताहिर बिल्डर्स के साइन बोर्ड्स वगैरह साफ तौर पर नजर आ रहे हो। ऐसा लगना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ओ डैम इट, फ्यूज फिर से उड़ गया। यार दानिश, इसका कुछ करवा क्यों नहीं रहा तू? दिन में 2-3 बार तो सिस्टम ट्रिप हो रहा है। यार इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, सारा चेक करके गया, कहता है पूरी की पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब इतना टाइम किसके पास है, पूरी वायरिंग कौन चेंज करवाता फिर है? यार प्लीज, पर अभी के लिए तो इसका कुछ करना। अच्छा मैं कुछ करता हूं। मैंने देखा था वो ड्रेस यार, बहुत ही कमाल था। अब तुम जाओ तो मुझे भी बताना। रुबाब, क्या वो मैप रेडी है?
हाँ यार, उसी मॉल चलेंगे, बस बता देना मुझे जब जाओ। रुबा प्लीज, कभी तो मोबाइल की जान छोड़ दिया करो, बॉस को पता चल गया तो सबकी जान पर बन जाएगी। ओ सॉरी, एक जरूरी कॉल थी। हाँ सुन ही रहा हूँ, कितनी जरूरी थी, बताओ मैप का क्या किया? वो तो रेडी ही है, थोड़ा सा वर्क रहता है बस। रुबा प्लीज उसे जल्दी कंप्लीट करो। एक मिनट, जरूरी कॉल आ गई। उफ रुबाब। कर दूंगी ना, तुम उसकी फिक्र ना करो। हाँ इरम, कैसी हो? हाँ हाँ, मैंने देखी थी फेसबुक पोस्ट तुम्हारी। उफ खुदाया, ताहिर बिल्डर्स का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। यार दानिश देख, लाइट फिर से गई हुई है, इसका कोई प्रॉपर बंदोबस्त करना होगा यार। अगर पूरी वायरिंग चेंज होनी है तो बॉस को इसके बारे में बताना चाहिए। अरे नहीं यार, बॉस को बता के भी क्या फायदा, बता भी दिया तो उल्टा हमें ही डांटेंगे। मैं किसी और इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के चेक करवाता हूँ, हो सकता है वो पूरी वायरिंग चेंज करने का ना बोले। जो भी करना है यार जल्दी कर, अब तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद सिस्टम ट्रिप होने लगा है। हाँ बस मैं भी बुलाता हूँ। सुन यार, वो साइट की पिक्चर्स का क्या किया तूने? अच्छा मैंने रहीम भाई को बोल दिया था, वो उनको मैंने सारी बात समझा दी है, उनको बता दिए कि हमें किस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस चाहिए, तो अब वो जब भी अगली बार साइट पे जाएंगे तो बना लेंगे। अरे यार अब किसका फोन आ गया? उत्तरी बॉस का फोन है। अल्लाह खैर ही करे, अब पता नहीं क्या कहेंगे। अच्छा चुप कर जरा, फोन उठाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, काम कैसा चल रहा है ऑफिस में? काम एकदम बढ़िया चल रहा है बॉस। अच्छा सुनो फरहान, मैं नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहा हूँ, यहाँ मेरी एक पार्टी से डील हो गई है, वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वीक में उनको अपने साथ पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ, मेरे आने तक प्रोजेक्ट की पूरी फाइल बेहतरीन तरीके से रेडी रखो। यस बॉस, हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो फरहान, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नो सर, नहीं होगी। ओके, हैव अ नाइस डे। उफ मर गए दानिश, बॉस अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, वो भी किसी पार्टी के साथ, और अपना काम पूरा तो क्या, अभी 50% भी कम्प्लीट नहीं है। ना ही तेरी तरफ से पिक्चर्स बनी है, ना अभी रुबाब का मैप रेडी है, ना ही अभी तोकी ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की है। मारे जाएंगे यार, अब क्या होगा? कुछ नहीं होता यार, टेंशन क्यों ले रहे? बहुत वक्त पड़ा है, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, सारा काम आराम से हो जाएगा। तू प्लीज इलेक्ट्रिशियन को बुला यार। हाँ बस मैं भी बुलाता हूँ। दानिश, वो कुछ बात करनी थी। हाँ रुबाब, बोलो क्या बात है? वो एक छोटा सा मसला हो गया है। कौन सा मसला? वो फरहान ने मुझे जो मैप बनाने का कहा था वो काम में भूल गई थी। फरहान को मैंने बोला था कि मैंने बना दिया है, प्लीज अब तुम कुछ करो, और प्लीज फरहान को ये बात पता ना चले कि मैं ये काम करना भूल गई थी, वो मुझ पर चिल्लाएगा। जब से उसे बॉस के आने का पता चला है वो सब पर चिल्लाता फिर रहा है, वैसे एक तरह देखा जाए तो उसका चिल्लाना बनता भी है। बॉस के आने में 3 दिन बाकी हैं और काम अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बात सुनो, अगर मैं तुम्हारा ये काम करने की कोशिश करूं तो क्या
तुम बदले में मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? हाँ हाँ जरूर, बोलो क्या काम है? वो असल में मैंने फरहान से पिक्चर्स और वीडियोस शूट करवाने का बोला था, मगर वो रहीम भाई तो एक हफ्ते के लिए कश्मीर चला गया। अब ये बात मैंने फरहान को तो नहीं बताई है, लेकिन अब पिक्चर्स और वीडियोस का कुछ तो करना पड़ेगा। क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ, मेरी एक दोस्त का भाई फोटोग्राफर है, उसे कह के मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो। ओके, मैं कुछ करता हूँ। हेलो नासिर, यार दानिश बात कर रहा हूँ, एक काम था। यार वो तेरे पास मैप था ना जिशान टाउन वाली हाउसिंग सोसाइटी का? हाँ यार, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके ना उसे ताहिर बिल्डर्स के साइट का मैप बनाना है। ओ खैर है यार, मैप देखना वैसे भी हर किसी को नहीं आता। इन्वेस्टर हो सकता है वो तो मैप देखे भी ना। हेलो, तानिया रुबाब बोल रही हूँ। यार एक काम था तुमसे। यार वो सैंड्रिनो मॉल है ना, वहाँ जाना है। हाँ शॉपिंग भी करनी है, लेकिन एक और भी काम है। उस मॉल के साथ ही एक हाउसिंग साइट है। हाँ वही गार्डन टाउन वाली। यार उस जगह की कुछ फोटोज और वीडियोस बना के लानी है, मगर किसी भी वीडियो या पिक्चर में कोई साइन बोर्ड ना आए, बस जेरे तामीर इमारतों और मशीन्स की वीडियोस और पिक्चर्स बनानी है। अच्छा यार, ले लेना मेरी तरफ से बदले में कोई चीज वहां से। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। तौकीर बोल रहा हूँ यार, तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी थी मुझे ताहिर बिल्डर्स की। पर इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो पाती, प्रोजेक्ट मैनेजर ने फाइल मांग ली है। तो ऐसा कर, अपने स्टार बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दे, मैं नाम रिप्लेस करके प्रिंट निकाल लूंगा। उन्होंने कौन से एक एक चीज चेक करनी है? ये भी तो हो सकता है कि वो फाइल देखे ही ना, तो प्लीज मुझे सेंड कर दे। आइए सर, ये है हमारा ऑफिस। आप हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप कहीं और इन्वेस्ट करने का सोचेंगे भी नहीं। हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट टोटली डिफरेंट है। ऐसा प्रोजेक्ट आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हमारी टीम इंतहाई काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मिसाली है। आइए मैं आपको हमारी टीम से मिलवाता हूं। ये है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर फरहान अली, बहुत ही काबिल इंसान है। हेलो सर। हेलो जेंटलमैन। और इनसे मिलिए, ये है दानिश नईम, असिस्टेंट सुपरवाइजर और टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट की तमाम टेक्निकलिटीज यही देखते हैं। हेलो सर। ये है मिस रुबाब अंजुम, कॉन्टेंट राइटर और ऑटोकैड मास्टर।
Nice to meet all of you. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्रोजेक्ट अपनी नौयत का एक बिल्कुल मुनफरिद प्रोजेक्ट है। फरहान, प्लीज प्रोजेक्टर पर पिक्चर्स और वीडियोस प्ले कीजिए। दानिश, पिक्चर्स दीजिएगा। वो पिक्चर्स तो रुबाब के पास है सर। मेरे पास? ओ हाँ, मेरे पास थी। मैं अभी देती हूँ पिक्चर्स। ओके, कोई बात नहीं। पिक्चर्स के प्ले होने तक मैं आपको साइट का मैप दिखाता हूँ। फरहान, मैप दीजिएगा। रुबाब, ये रहा साइट का मैप सर। ताहिर साहब, आपने हमसे कहा था कि आपकी हाउसिंग साइट एयरपोर्ट के पास है, लेकिन इस मैप में तो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला कोई रास्ता नहीं है, और आपने नहीं बताया था कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी के पास से नाला गुजरता है। नाला? जी, ये मैप में तो साफ नजर आ रहा है। मुझे प्लीज इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट फाइल दिखाइए। ओके, फरहान सर को फाइल दीजिए। जी जी सर। What the hell is this? ताहिर साहब, आपने तो हमें अभी कहा था कि आपके प्लॉट्स 5 मरला से एक किनाल के हैं। इस फाइल में तो पूरा प्रोजेक्ट ही 3 मरला हाउसिंग स्कीम का है। सर, शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है। इब्राहिम साहब, छोड़िए, मैं आपको साइट विजिट करवा दूंगा। आप खुद देखिएगा कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है। हमने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। लोड शेडिंग या लाइट जाने का तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बिल्कुल वही सिस्टम अपने पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई किया है जो हमने अपने ऑफिस में अप्लाई किया है। इतनी लोड शेडिंग के बावजूद यहाँ लाइट कभी नहीं जाती। तो ये है आपका मुनफरिद प्रोजेक्ट? हीटर, हमसे धोखा करना चाहते हो? मैं तुम्हें सू कर दूंगा। फरहान, दानिश, रुबाब, तुम सबको मैं देख लूंगा।